सो गाइज, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी विक्टिम के फोन की गैलरीज, फोटोज एंड वीडियोज को अपने फोन के अंदर कैसे देखें, वो भी उस विक्टिम के फोन को बिना टच किए, फिर चाहे विक्टिम अपने से कितना भी दूर क्यों ना हो। सो ये गूगल की सर्विस है, ये कोई हैकिंग नहीं है, लेकिन इस सर्विस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने विक्टिम के फोन में गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करनी है, और यहां पर हमें ये मैसेज आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहां पे हमें ऐड पार्टनर अकाउंट पर क्लिक करना है, और यहां पे गेट स्टार्टेड पर, यहां पर हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो यहां पे मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लेता हूं, और यहां पे ऑल फोटोज बाय डिफॉल्ट सेट रहने देना है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहां पे सेंड इनविटेशन पर क्लिक करना है, जिससे हमारे डिवाइस पे फोटोज देखने का इनविटेशन चला जाएगा। यहां पर हमें प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, और यहां पे हमें फोटोज सेटिंग में जाना है, यहां पे बैकअप एंड सिंक पर क्लिक करना है, यहां पर बैकअप एंड सिंक को टर्न ऑन करना है, यहां पर मोबाइल डेटा यूज में जाना है, एंड यहां पे इस सारे ऑप्शन को टर्न ऑन करना है। यहां पे मैं इनको ऑन कर लेता हूं, और यहां पे हम फिर से बैक जाएंगे और इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लेंगे। और अब यहां पर हमें अपना फोन लेना है, और इसमें गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे ही हम गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और एप्लीकेशन को ओपन करते ही हमें इनविटेशन का पॉपअप शो होगा। यदि वो शो नहीं हो तो यहां पे हमें मैसेज आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें इनविटेशन का मैसेज मिल जाएगा, इस मैसेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही हम इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें विक्टिम की सारी फोटोज शो हो जाएगी। इन फोटोज को हम अपने डिवाइस के अंदर सेव भी कर सकते हैं, टर्न ऑन ऑटो सेव पर क्लिक करके। यहाँ पे ऑल फोटो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है, तो ये फोटोज अपने फोन के अंदर सेव भी हो जाएगी। और इस तरह से विक्टिम के फोन की सारी फोटोज को हम अपने फोन के अंदर देख सकते हैं, और विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी फोटोज कोई और देख रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हैकिंग नहीं है, ये गूगल की ही सर्विस है, जिसका आप फायदा उठाकर किसी भी विक्टिम के फोन की फोटोज को अपने फोन के अंदर देख सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।